खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कल कश्मीर जाएगा यूरोपियन यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल, इसके नेता आज मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से मिले। पीएम मोदी दो दिन के दौरे पर सऊदी अरब रवाना हुए, सऊदी अरब भी कश्मीर पर पाकिस्तान का नहीं दे रहा है साथ। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करें, उन्हें पढ़ाएं ताकि वो नौकरी पाएं। असम सरकार ने 2 से ज्यादा बच्चों पर सरकारी नौकरी की पाबंदी लगाई है। बीजेपी शिवसेना में तनातनी के बीच सामना में बीजेपी पर कटाक्ष, जबकि शरद पवार की जमकर तारीफ। सामना के लेख से बीजेपी के आला नेता नाराज, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने कहा, चर्चा से पहले सामना में जहर उगलना बंद करे शिवसेना। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुलाकात को औपचारिक बताया, शिवसेना नेता राज्यपाल से अलग से मिले। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का मंथन, 2 नवंबर को सोनिया गांधी सभी महासचिव और पार्टी प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी। INX भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को आज एम्स ले जाया गया, मेडिकल चेकअप को रूटीन टेस्ट बताया गया। सिरसा में गोवर्धन पूजा में शामिल हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कहा सीएम खट्टर के साथ मिलकर राज्य का विकास करेंगे। पुणे में लोन ना देने पर एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का फ्लैट सील किया गया। पीएमसी घोटाले के बाद महाराष्ट्र में गुडविन ज्वेलर्स घपला, निवेशकों के पैसे लेकर भागने का आरोप, दुकानें बंद पड़ी हैं। आरोप के बाद गुडविन ज्वेलर्स पर केस दर्ज, कंपनी के मालिकों ने वीडियो जारी कर आरोप झूठे बताए, लोगों को भरोसा रखने को कहा। बिहार के जहानाबाद में आरजेडी नेता मनोज यादव के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। केरल में 2 नाबालिग लड़कियों की संदिग्ध मौत पर सियासी हलचल, मुस्लिम छात्र संगठन ने सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली की डीटीसी बसों में कल से महिला सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात होंगे, सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुई गोवर्धन पूजा में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, परंपरा के मुताबिक हाथों पर चलवाए चाबुक।